नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के मैच का वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैं थोड़ा सा किसी काम में बिजी था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। बट कल यानी कि इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है ना, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। हालांकि एक चीज़ हम लोग नोटिस आप लोग भी करोगे, शायद आप लोग भी इस बात से कनेक्ट करोगे कि जब इंडिया का मैच होता है तो ज़्यादातर लोग लॉस में ही जाते हैं। एक तो ड्रीम इलेवन क्या करता है, 2 करोड़ का कॉन्टेस्ट निकालता है। अब उसमें क्या होता है कि लोग इतने पागल हो जाते हैं 2 करोड़ को जीतने के चक्कर में कि लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए कि हम किसे ड्रॉप करें। सपोज कीजिए कि इंडिया की तरफ से इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है, तो आप किसे ड्रॉप करना पसंद करेंगे, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, विराट कोहली को, केएल राहुल को, किसे ड्रॉप करेंगे। बॉलर में आप किसे ड्रॉप करोगे, मोहम्मद सिराज को, बुमराह को, या फिर कुलदीप यादव को, रविंद्र जडेजा को। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज ए इंडियन हम लोग इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किसे रखें, और उस केस में हमारे इंडियन बैट्समैन ही, इंडियन प्लेयर ही हमारे को धोखा देकर चले जाते हैं। और रीज़न ये होता है कि हम लोगों की जो टीम है, फैंटेसी के पॉइंट से देखा जाए तो हम लोग लॉस में आ जाते हैं। तो इस वजह से अभी जो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड बताने वाला हूँ, वो रिकॉर्ड और जो फैंटेसी पॉइंट्स के सिस्टम से जो हमारे को मैच करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो फिक्स प्लेयर होंगे उन्हें हम अपने टीम में शामिल करेंगे। इसके अलावे जो पिच का रिपोर्ट है, धर्मशाला के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है, धर्मशाला के ग्राउंड पर किस तरीके से मैचेज हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पर जो विकेट है वो बिहेव करता है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावे ट्रम्प प्लेयर कौन से हो सकते हैं इस मैच के में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मेरे फिक्स प्लेयर नहीं चलते या मैंने किसी को रोटेट करने के लिए बोला। दोस्तों अगर वीडियो में चीज़ें जो बताई जा रही हैं, अगर आप ऐसा मेरे को बोलते हो तो मुझे एक यूट्यूबर का नाम बता दो जो आपको करोड़ों रुपए जितवा दिया हो। स्मॉल लीग की टीम देना बहुत ईजी है, 10 प्लेयर का नाम ले लूंगा कि आप इनको 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 रख लो, इनको 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 रख लो, तो वो दोस्तों नहीं होता है ना। ग्रैंड लीग के अंदर रिस्क तो लेना पड़ेगा, अगर जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो कोई काम होने वाला है नहीं। और मैं रिस्क लेता हूँ, बिल्कुल अलग ही रिस्क लेता हूं। आज के मैच के लिए भी मैंने बोला था कि रजिता वगैरह को कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में आप लोग सोच लेना। सेकंड मैच जो अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका वाला, उसके अंदर मैंने हेनरी क्लासिन को कैप्टन बनाया, ये सोच के बनाया क्योंकि क्विंटन डिकॉक को सब लोग लेके जा रहे हैं। मैंने 2 टीम लगाई और दोनों ही टीम में क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर दिया। तो दोस्तों अगर कोई प्लेयर चले या ना चले, आपकी टीम विनिंग जोन से बाहर हो या ना हो, तो आप क्या करो, उस प्लेयर को अपने टीम में जिस पे आपको डाउट हो कि ये नहीं चलेगा, उसको पूरे टीम से ड्रॉप कर दो। अगर आप 10 टीम बना रहे हो तो 10ों में से ड्रॉप करो, या तो रखो या ड्रॉप करो। और अगर रखना है, अगर आपको लगता है कि वो कैप्टन बन सकता है, तो सीधा एक टीम के अंदर रखो और उसे कैप्टन बनाओ। क्योंकि क्या होता है ना कि वो 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपनी टीम से निकालना ही होता है। कोई बड़े प्लेयर फ्लॉप होंगे तभी छोटे प्लेयर अंदर घुसेंगे। अब इस मैच के अंदर किसे ड्रॉप करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क लो, नहीं तो अगर आपका दिल कहता है कि नहीं मैं बोल रहा हूं वो नहीं होगा, तो आप उसको रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं नहीं रखता, मैं क्लियरली बता रहा हूं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस मैच के अकॉर्डिंग कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसको मैं बोल रहा हूं कि वो नहीं चलेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चलेंगे। कंडीशन होता है दोस्तों, हर चीजों पे कंडीशन होता है, कंडीशन के वाइज ही हमें समझना पड़ता है। आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, न कि मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट करता हूँ। मैं एनालिसिस और रिकॉर्ड के बेस पे बोलता हूँ, और आप लोगों को भी पता है इस वर्ल्ड कप के अंदर रिकॉर्ड कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन हेड टू हेड का रिकॉर्ड काम करता है, ग्राउंड का रिकॉर्ड काम करता है। अभी क्या है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें एक चीज देखने को मिल रहा है कि जो प्लेयर फॉर्म में है वो प्लेयर फॉर्म में है, एकाध प्लेयर ऐसे हैं जो अच्छे हैं, उनके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, और वो 2 मैचों से नहीं चल रहे हैं, उन्हें ही हमें अपनी टीम में शामिल करना है। और जो लोग चल रहे हैं उनमें से एकाध को, जिसको आपको लग रहा है कि ये कंडीशन वाइज नहीं चल सकता है, उसे आप अपने टीम से ड्रॉप कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ हर एक बात, किस तरीके से हमें इस मैच में अपना पूरी स्ट्रैटेजी रखना है और किस तरीके से अपने प्लेयर्स को एक्सचेंज करना है और रोटेट करना है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 21 यानी कि 21वां मैच है, 21वां मैच है ओडीआई ये वर्ल्ड कप का,
जो 22 अक्टूबर 2023 यानी कि कल 2 बजे से खेला जाएगा, दोपहर 2 बजे से। चलिए चलते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि प्लेइंग इलेवन क्या हो सकता है। अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो न्यूजीलैंड के तरफ से डिवॉन कॉनवे और विल लॉन्ग, ये दोनों ओपनिंग करने आएंगे। आर रविंद्र, डैरी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, लैथम, सैंटनर, फर्गुसन, सोढ़ी खेल सकते हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं और मैट हेनरी हैं, ये हो सकते हैं प्लेइंग इलेवन कहाँ से, न्यूजीलैंड की तरफ से। और अगर इंडिया से बात करें तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कोहली, अय्यर, केएल राहुल, यादव, एस यादव, सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि खेले, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं। अब दोस्तों दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये लोग सूर्य कुमार यादव को लेकर आएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शामी ये लोग दोनों को ही अपनी टीम में शामिल करें। मैं रीजन भी बता रहा हूँ, इसके बाद कुलदीप यादव है, बुमराह है और सिराज है। देखिए जो ग्राउंड है उसकी रिपोर्ट में आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिल रहा है। अब सूर्य कुमार यादव जो हैं ये आएंगे बैटिंग सेक्शन से, ठीक है, इस नंबर पे खेलने के लिए। बट शार्दुल ठाकुर को हो सकता है कि ये लोग आगे प्रमोट कर दे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर को खिलाना इसलिए चाहिए इन लोगों को कि ये बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं। तो हो सकता है शार्दुल ठाकुर खेले, या फिर हो सकता है मोहम्मद शामी को इस वाले मैच के अंदर लेकर आया जाए। तो ये पॉसिबल प्लेइंग इलेवन हो सकता है इस मैच के अंदर। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि जो धर्मशाला है, ये धर्मशाला का जो ग्राउंड है वहां पर क्या हुआ। देखिए फर्स्ट मैच हुआ, अफगानिस्तान खेला, 156 रन बनाया, 10 विकेट गिरा, लेकिन बांग्लादेश ने 158 रन पर ये 4 विकेट गिराया, 158 रन चेस कर लिया। अब देखिए विकेट किसे की मिला, 4 विकेट फास्ट बॉलर को मिला, 6 विकेट स्पिनर को मिला फर्स्ट मैच के अंदर, जिसके अंदर शाकिबल हसन और मेहदी हसन मिराज ने तीन तीन विकेट ले लिए थे। तो वो जो मैच था 156 रन पर था। इंग्लैंड यहां पर फर्स्ट बैटिंग करती है, 364 रन बनाती है, 9 विकेट गिरता है। बांग्लादेश यहां पे 227 रन बनाती है, 10 विकेट यानी ऑल आउट होती है टीम, रन चेज नहीं कर पाती है। फास्ट को 4 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिलता है। बांग्लादेश 227 पे जब ऑल आउट होती है तो यहाँ पे 8 विकेट फास्ट बॉलर को मिलता है, स्पिनर को 2। नीदरलैंड यहाँ पे 245 रन बनाती है, 8 विकेट खोकर 7 फास्ट बॉलर को, 1 स्पिनर को मिलता है। साउथ अफ्रीका 207 रन पर ऑल आउट हो जाती है, फास्ट बॉलर को 7, स्पिनर को 3 विकेट। अब देखिए जो मैं निचोड़ निकालता हूं, यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ है फास्ट बॉलर फर्स्ट इनिंग में 15 विकेट लेके जाते हैं, स्पिनर 12 विकेट, जबकि सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 18 विकेट मिला और स्पिनर को 5 विकेट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में दोनों इंपॉर्टेंट है, फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को बराबर हेल्प मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट का मैच है इसमें स्पिनर को 1 विकेट मिला, वरना यहाँ पे 5 विकेट और 6 विकेट मिला है, यानी कि फास्ट बॉलर से ज्यादा विकेट मिला है पहले 2 मैचेस के अंदर। अब सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखिए 0-2-3, तो ये हो सकता है दोस्तों, थोड़ा सा प्रिडिक्शन रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट जाना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को कम विकेट मिले, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिल जाए, ये भी देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, उस तरीके से टीम को रोटेट करना है, उस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट करना है कि रिकॉर्ड के अगेंस्ट थोड़ा सा हमें जाना चाहिए। तो ओवरऑल आप यहां से बात समझ गए कि अगर यहां पर कोई भी बैटिंग करेगा तो 270 से ज्यादा ही रन लगने का उम्मीद है, जहां पर जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब नीदरलैंड 245 रन बना सकती है, इंग्लैंड 364 रन बनाई, तो न्यूजीलैंड खेले या इंडिया खेले, दोनों ही अगर खेलेंगे तो रन यहां पर अच्छा खासा हो सकता है, 300 प्लस भी रन चला जाए। बट सेकेंड इनिंग में रन चेस करना थोड़ा सा यहां पर मुश्किल हो सकता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बैटिंग फर्स्ट इनिंग क्या रिकॉर्ड रहा, फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो यहां पे फर्स्ट मैच हुआ, दोनों ओपनर ठीक ठाक खेले, यहां पे एक ओपनर 47 रन बनाता है, दूसरा ओपनर 22 रन, फिर दूसरे मैच में एक ओपनर 42, दूसरा ओपनर 140, फिर तीसरे मैच में 2 और 18, ठीक है। यहां पर देखिए तीसरा नंबर का प्लेयर एक बार 82 रन बनाता है, बाकी 2 बार एवरेज प्लेयर, चौथा नंबर का प्लेयर एवरेज निकलता है, पांचवा नंबर का प्लेयर एवरेज निकलता है, 7 नंबर का प्लेयर 22, 11 और 78। तो दोस्तों जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है कि अगर देखा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, ओपनिंग के दोनों बैट्समैन को अपने टीम में शामिल करना है, दोनों ओपनर को एक टीम के अंदर, दोनों ओपनर, फिर 3 नंबर को ड्रॉप करके 4 नंबर के साथ जाइएगा। इसके बाद एक टीम के अंदर टॉप 4 यानी कि टॉप 4 बैट्समैन, जैसे इंडिया अगर बैट फर्स्ट करती है तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली
और श्रेयस अय्यर, इन चारों को रखना है। इसके बाद दूसरी टीम जब बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली को ड्रॉप कीजिए, श्रेयस अय्यर को उठाइएगा एज ए ट्रम्प प्लेयर, ठीक है। अब मैं अगर बोल रहा हूँ विराट कोहली को ड्रॉप कीजिएगा तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट करने लगो कि मैं पागल हूँ, मैं विराट कोहली को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कभी भी आप इस बात को देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब टॉप ऑर्डर चलता है, जैसे मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया वाला मैच को अगर देखा जाए जहां पर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने अच्छे खासे रन बनाए, दोनों ने शतक बनाया, ठीक है। इसके बाद के जो प्लेयर आए उन लोगों ने क्या किया, आपको भी पता है क्या किया, सबके सब सस्ते में आ गए, ठीक है। तो अगर आप टॉप ऑर्डर को फ्लॉप कीजिएगा तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से किसी एक को कैप्टन बनाइए, नहीं तो टॉप ऑर्डर के दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए, या फिर टॉप ऑर्डर में से किसी एक को, यानी दोनों ओपनर में से किसी एक को कैप्टन बनाइए। इस तरीके से आप प्लेयर्स को रोटेट कीजिएगा। एवरेज देखा जाए तो यहाँ पर फोर्थ के बाद वाले प्लेयर में से कोई एक प्लेयर ही अच्छा खेलकर जाएगा, बाकी का कोई एवरेज रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कोई एक ओपनर फ्लॉप होगा। देखिए एक ओपनर ही सिर्फ यहाँ पर 76 रन बनाया, बाकी 5, 13, 16 और 20 यानी कि ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप हो रही है। इसके बाद पहले मैच के अंदर 57 रन और 59 रन, 3 और 4 नंबर के खिलाड़ी दोनों अच्छे खेल के गए, लेकिन बाकी के मैच में देखिए फ्लॉप, चारों बैट्समैन फ्लॉप, टॉप के 4 यानी 1, 2, 3 और 4 चारों प्लेयर फ्लॉप गए हैं। इसके बाद देखा जाए तीसरे मैच के अंदर तो ओपनिंग से लेके टॉप 4 के बैट्समैन फ्लॉप गए, देख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड कह रहा है, रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूं मैं। 5 नंबर का प्लेयर भी फ्लॉप, चला कौन, 6 नंबर का प्लेयर दोनों ही मैच में अच्छा खेल कर गया, 7 नंबर का प्लेयर एक अच्छा खेल कर गया है। तो आपको भी सेकेंड इनिंग में ऐसा ही करना है। सेकेंड इनिंग में क्या करना है, पहला नंबर दोनों ओपनर को फ्लॉप कीजिए, फिर दूसरे मैच में एक ओपनर को उठाइए, दूसरे टीम के अंदर एक ओपनर को उठाइए, फिर 3 को ड्रॉप करके 4 को उठाइए, फिर आप क्या कीजिए, तीसरे टीम के अंदर जो ओपनर को रखे थे उसको ड्रॉप करके पहले वाले ओपनर को उठाइए, फिर 3 नंबर, फिर 5 नंबर। इस तरीके से प्लेयर्स को रोटेट कीजिए जब आप ज़्यादा टीम बनाते हैं। चलिए चलते हैं, अब हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स देखते हैं कि क्या है। अब देखें न्यूजीलैंड के बैट्समैन की बात करें तो डिवॉन कॉनवे सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर 152 रन की पारी खेले, और डिवॉन कॉनवे यहाँ पर 111 रन की पारी खेले। मैं आपको दिखाऊंगा इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि डिवॉन कॉनवे का बेहतरीन जो पारी आती है ना वो सेकेंड इनिंग के अंदर आती है। हो सकता है सेकेंड इनिंग के अंदर 14 रन पर भी आउट हुए हैं, 9 पर भी आउट हुए हैं, 7 पर भी आउट हुए हैं, लेकिन जो इनकी अच्छी कैप्टेंसी वाली पारी आती है ना वो आती है सेकेंड इनिंग के अंदर। तो डिवॉन कॉनवे अगर सेकेंड इनिंग में खेलेंगे तो आप इनको एक दो टीम के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाकर जा सकते हैं। वी लियोंग सेकेंड इनिंग में अगर खेलेगा तो इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप करने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में खेलता है तो आप इसे अपनी टीम में पिक कीजिएगा। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, पिछले मैच में भी ठीक ठाक खेले थे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं है, मैं आपको हेड टू हेड में दिखाऊंगा। गैरी मिचेल ये देखिए सेकेंड इनिंग में 118, फर्स्ट इनिंग में 113, फिर फर्स्ट इनिंग में 129, फिर सेकेंड में 31 और 34, तो एवरेज जो देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड फर्स्ट इनिंग में अच्छा निकल के आ रहा है। दोस्तों कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमें समझना जरूरी है, हमें देखना है कि पूरी दुनिया ड्रीम इलेवन में, पूरी दुनिया, पूरे लोग किस तरीके से किस तरफ मूवमेंट हो रहा है। अगर आप ये देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि 80% लोग बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर पर फोकस करके बैठे हैं और बॉलिंग सेक्शन में सिर्फ 2 ही प्लेयर पर फोकस है। अब आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, जब टीम तैयार करूंगा तो बताऊंगा कि क्या होने वाला है। कल के मैच बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वन साइडेड मैच हो सकता है। हम लोग जो सोच रहे हैं ना कि कंपटीशन हार्ड होगा, मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन हार्ड हुआ, और अगर हार्ड हुआ कंपटीशन तो बहुत सारे लोगों की टीम विनिंग जोन से बाहर होने वाली है। चलिए चलते हैं, इसके अलावा सेंटेनर भी इंपॉर्टेंट है कल के मैच के लिए, मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो लोग कौन कौन हैं जो अपने रिदम में हैं, एक तो ट्रेंट बोल्ट है, मिचेल सेंटेनर है जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, लोकी फर्गुसन भी अपने रिदम में आ चुके हैं, आई सोडी खेलेंगे तो इनको रखेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग में इनकी रिकॉर्ड अच्छे है, फर्स्ट इनिंग में उतना नहीं है लेकिन सेकेंड इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक है। आर रविंद्र का 1 से 2 विकेट मैक्सिमम आ सकता है, इसके अलावा बैटिंग से भी ये पॉइंट देते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैट हेनरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खिलाड़ी देख रहे हैं 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग में तो इस खिलाड़ी को जरूर रखना है,
क्योंकि फर्स्ट इनिंग में देखिए 3 विकेट 3 विकेट 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 1 विकेट, सेकेंड इनिंग में 0 विकेट, फिर फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट। तो आपको यहां से यह समझ जाना चाहिए कि मैट हेनरी का फर्स्ट इनिंग में विकेट लेने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं 2 से 3 विकेट। अब आइए चलते हैं, सीधा बात करते हैं हम लोग न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो इस वर्ल्ड कप में अभी जो 4 मैचेस खेले हैं इसमें इन लोगों का क्या परफॉर्मेंस है। अब देखा देखिए यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, डिवॉन कॉनवे 152 रन सेकेंड इनिंग में खेले तो, और 45 रन सेकेंड इनिंग में, 32 और 20 जो कि एवरेज रहा है वो इनका पारी आया फर्स्ट इनिंग में। तो आप ये देखिए सेकेंड इनिंग में ये खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है। वहीं पे विल योंग का देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 70 रन बनाते हैं और फिर फर्स्ट इनिंग में 54 रन, सेकेंड इनिंग में 0 पर भी आउट हुए हैं। तो विल योंग, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इनिंग में अगर विल योंग खेलेंगे न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करेगी, तो आप विल योंग को अपनी टीम में शामिल कीजिएगा। आर रविंद्र सिर्फ एक बार ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ है, वरना ये दोनों ही इनिंग में कंटिन्यू अच्छा खेल के जा रहा है, बैटिंग से पॉइंट्स देके जा रहा है। केन विलियमसन खेलेंगे नहीं। डेरी मिचेल देखिए सेकेंड हो या फर्स्ट हो, इनका दोनों में ये बोथ प्लेयर हैं, दोनों ही इनिंग में अच्छा खासा खेल के जाते हैं। ग्लेन फिलिप्स का एक बार फर्स्ट इनिंग में 71 रन बनाए, बाकी के 2 टाइम पे ये फ्लॉप हुए हैं। मार्क चैपमैन 25 रन बनाए फर्स्ट इनिंग में। टॉम लेथम फर्स्ट इनिंग 53, फर्स्ट इनिंग 68। समझ गए होंगे कि टॉम लेथम को कब रखना है। इसके बाद सेंटेनर का फर्स्ट इनिंग में 36 रन का रिकॉर्ड है। अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन की अगर बात किया जाए तो देखिए फर्स्ट इनिंग में ट्रेंट बोल्ट को 1 विकेट मिला, फिर फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट, सेकंड इनिंग में 2 विकेट, सिर्फ एक बार विकेट लेस गए थे, बाकी के टाइम पे इनको 1 से 2 विकेट मिल जाता है। सेंटेनर की बात किया जाए देखिए 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। अब देखिए मजे की बात आपको दिखा रहा हूं, जो चीजें समझना है दोस्तों, प्लेयर्स को किस तरीके से पिक करना है, कहां से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मिचेल सेंटेनर फर्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग करते हैं तो 10 ओवर में 2 विकेट मिलता है, लेकिन जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो 10 ओवर में 5 विकेट मिलता है, फिर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो इनको 10 ओवर में 1 विकेट मिलता है, वहीं पर सेकेंड इनिंग में फिर से इनको 7 ओवर में 3 विकेट मिलता है। तो मिचेल सेंटेनर का जो रिकॉर्ड है ना वो सेकेंड इनिंग में ज्यादा है, यानी कि सेकेंड इनिंग में इनके विकेट लेने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लोकी फर्गुसन फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में ही इनको 3-3 विकेट मिलता है। तो ये प्लेयर जो है ये दोनों साइड से फर्स्ट में है और सेकेंड में, दोनों में ही ये अपना विकेट लेकर जाते हैं। इसके अलावा रविंद्र को 1-1 विकेट मिलता है, सिर्फ एक मैच में विकेट नहीं मिला। मैट हेनरी देखिए फर्स्ट इनिंग 3 विकेट, सेकेंड इनिंग 3 विकेट, फर्स्ट इनिंग 2 विकेट, सेकेंड इनिंग 1 विकेट। ठीक है, हेनरी फर्स्ट इनिंग में हमेशा अच्छा विकेट करके लेके जाते हैं और ये फिलहाल अपने रिदम में है, तो मैट हेनरी को हम लोग ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेके, लेकिन ड्रॉप करेंगे कब मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, इंडियन बैट्समैन इन वर्ल्ड कप एंड एशिया कप के अंदर कौन कौन से रिदम में है। नो डाउट रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में है, ये सोचकर मान के चलिए रोहित शर्मा को टीम में नहीं रखना है तो नहीं रखना है, ठीक है। और अगर टीम में रखते हैं, ये प्लेयर अगर 10 ओवर भी खेल जाता है ना तो 50 रन बनाकर चला जाएगा। सबसे जबरदस्त अभी अपने अच्छे रिदम में है पहले वाला रोहित शर्मा वापस आ गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, किसी भी इनिंग में इनको ड्रॉप करने का रिस्क हम ले सकते हैं। बट फिर भी हमें रोटेट करना है, क्योंकि किसी भी प्लेयर पे हम भरोसा नहीं कर सकते, खासतौर से ओपनर्स बैट्समैन पे, तो हम इनको भी रोटेट करेंगे, फिक्स्ड करके नहीं चलना है। शुभमन गिल अच्छे पारी खेल के जा रहे हैं, कंटिन्यू ठीक ठाक खेल रहे हैं, अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बार, एक बार 19 और एक बार 16 रन की पारी आई, नहीं तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और अभी और भी बढ़िया है। आपको एक दो स्टैट्स और दिखाता हूं जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि किसे टीम में रखना है नहीं रखना है। विराट कोहली पिछले मैच में शतक मार के आए, ईशान किशन कम चांस है कि खेलेंगे, श्रेयस अय्यर अभी रिदम में नहीं है, तो यह भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर की जगह पर ईशान किशन आ जाए और इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी आ जाए, ये भी हो सकता है। अभी कल लाइनअप्स के टाइम पे पता चलेगा कौन कौन खेल रहा है। केएल राहुल अपने फॉर्म में है, हालांकि 4 नंबर पे बैटिंग आती है तो इनको उतने चांसेस नहीं मिलते हैं, लेकिन विकेट कीपर सेक्शन से एक बेहतरीन ऑप्शन है हमारे लिए। इसके अलावे कोई नहीं है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, वो खेल नहीं रहे हैं। चलिए बात करते हैं इंडियन की तरफ से, बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखा जाए तो शामी खेलेंगे तो विकेट लेके ही जाएंगे, वो भी खास तौर से फर्स्ट इनिंग में। बुमराह 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, तो 2 विकेट तो बुमराह का आप रख लीजिए अलग से ही कि 2 विकेट बुमराह का है। इसके अलावे बुमराह को भी हम रोटेट करेंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन भी बहुत हाई हो गया है और कंटिन्यू ड्रीम टीम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन रोटेट करना पड़ेगा।
एम सिराज 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट इस मैच के अंदर इनको विकेट नहीं मिला था। इसके अलावा ये कंटिन्यू इनको विकेट मिलता है। हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे। शार्दुल ठाकुर हालांकि सिलेक्शन परसेंट बहुत कम है और ये ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, बताऊंगा कैसे। जडेजा, आपको 2 विकेट जडेजा से भी मिल सकता है। कुलदीप यादव, अभी देखिए पिछले 4 मैचेस के अंदर ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस जो होता है ना वो नहीं दिए हैं। 2 विकेट और 1 विकेट मिल रहा है। ये खिलाड़ी कभी भी 4 से 5 विकेट लेके जा सकता है, इसलिए इस खिलाड़ी को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर जरूर जाइएगा। आइए देखते हैं न्यूजीलैंड के बैट्समैन जो हैं हेड टू हेड में कैसा खेले। फिन एलन खेल नहीं रहे इसलिए इनका हम बात नहीं करेंगे। देखिए डिवोन कॉनवे 1 बार खेले, 138 रन बनाए, सेकेंड इनिंग में वो भी आया। तो अब आप यहां से फिक्स हो जाइए कि सेकेंड इनिंग में डिवोन कॉनवे बहुत अच्छा खेलते हैं और सेकेंड इनिंग में कम रन पर भी आउट होते हैं, इसलिए इनको अगर आप सेकेंड इनिंग में रखिएगा तो कैप्टन बना के जाइएगा, नहीं तो सेकेंड इनिंग में एक दो टीम के अंदर ड्रॉप करके भी चलिएगा, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर चल गया तो अच्छा रन बनाकर जाएगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा। इसके अलावा फिलिप का रिकॉर्ड देखिए 36 और 11 का है, कुछ खास नहीं है। डेरी मिचेल का देखिए, मैंने आपको क्या बोला, डेरी मिचेल का रिकॉर्ड ना कुछ खास नहीं है। 3 मैचेस खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और तीनों ही मैच में फ्लॉप रहे हैं। रिकॉर्ड हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड बिल्कुल खराब है। टॉम लैथम का रिकॉर्ड बिल्कुल ही खराब है। यहां से हमें प्लेयर्स चुनने में मौका मिलता है। इसके अलावा सेंटेनर को देखा जाए, हर मैच में रन बना रहे हैं, 34 रन 27 रन और 57 रन, इसलिए सेंटेनर को तो आप फिक्स कर लीजिएगा अपने टीम के अंदर। सेंटेनर को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, मैं तो फिक्स करूंगा। रीजन की ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से पॉइंट दे सकते हैं और हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड भी बहुत ही बेहतरीन है। अभी बॉलिंग से देखते हैं तो आपको और पता चल जाएगा। अब अगर बॉलिंग से देखा जाए तो देखिए सेंटेनर को 1 विकेट 1 विकेट और 1 मैच में 0। तो कहने का मतलब है कि ये विकेट और बैटिंग दोनों से ही, बैटिंग बैट और बॉल दोनों से पॉइंट देके जा रहे हैं, तो सेंटेनर इंपॉर्टेंट है। लोकी फर्गुसन को 1 बार 1 विकेट मिला, ये बाकी के टाइम पे इनको विकेट नहीं मिला था। और बाकी के जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं वो लोग फिलहाल, अभी जो मैचेज हुआ है इंडिया का 5 मैचेज, उसके अंदर ये लोग का रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड है, पिछला जो 5 मैच हुआ था उसमें से 2 मैचेज रोड नो रिजल्ट था और 3 के 3 मैच जो है ना इंडिया जीती है न्यूजीलैंड से। तो थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा न्यूजीलैंड से भारी है, क्योंकि केन विलियमसन भी जो एक टेक्निकल बैट्समैन है जो कि टिक कर खेलते हैं वो भी अभी फिलहाल टीम में नहीं है। चलिए चलते हैं हेड टू हेड में इंडिया के। देखिए रोहित शर्मा 1 बार फर्स्ट इनिंग में 101 रन, फिर सेकेंड इनिंग में 51 रन, फिर तीसरे इनिंग में 34 रन। तो ये खिलाड़ी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल 1 बार खेला 112 रन, दूसरी बार 40 रन, तीसरी बार 208 रन, यानी कि दोहरा शतक भी लगा चुके हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही। तो शुभमन गिल के कैप्टेंसी, मतलब कि कैप्टेंसी के सबसे प्रबल दावेदार एक हो सकते हैं शुभमन गिल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शुभमन गिल को हर मैच हर टीम के अंदर कैप्टन बना के जाइएगा और पता चलेगा कि शुभमन गिल अगर आउट हो गया तो आप लोग मेरे को गाली दीजिएगा, बट मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, इसलिए शुभमन गिल को कम से कम 5 टीम के अंदर कैप्टन बना के जाइएगा। अगर आप 20 टीम से जाते हैं 5 टीम में कैप्टन बनाएगा, अगर ये चल गया तो आपकी 5 टीम बहुत अच्छी रैंक पे जाएगी। विराट कोहली का देखिए रोटेशन मैं इसलिए कह रहा हूं करने के लिए, क्योंकि 1 बार सिर्फ 36 रन की पारी आई है, बाकी के टाइम पे 11 और 8 रन का रिकॉर्ड है। तो शुभमन विराट कोहली जो है इनका रिकॉर्ड हेड टू हेड में अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि अगर ये दोनों खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में चलते हैं तो विराट कोहली को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर 5 टीम लगाते हैं तो 2-3 टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव 1 बार 14 और 1 बार 31 रन का पारी है। हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे हैं, बाकी किसी का कोई रिकॉर्ड है नहीं। 1 बार शार्दुल ठाकुर खेले थे, 25 रन बनाकर गए। चलिए चलते हैं, बात करते हैं सीधा हम इंडियन बॉलर्स की हेड टू हेड में। मोहम्मद शामी 3 विकेट लेकर गए हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 1 विकेट। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड फर्स्ट इनिंग में बहुत ही अच्छा होता है। जसप्रीत बुमराह पिछले 1 साल से इंजर्ड थे तो वो मैच नहीं खेले थे। मोहम्मद सिराज सेकेंड इनिंग में 4 विकेट, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट। तो मोहम्मद सिराज भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन परसेंट बहुत घट गया है। शार्दुल ठाकुर मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ये खिलाड़ी देख रहे हैं 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, 3 मैचेस खेला और तीनों ही मैच में ये खिलाड़ी का जबरदस्त परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इनको विकेट मिलता है, इसलिए ये खिलाड़ी हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकता है। कुलदीप यादव भी ये खिलाड़ी हमारे लिए ट्रम्प प्लेयर है, जब भी खेले हैं 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट निकाल के गए हैं, तो हमारे लिए कुलदीप यादव भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस मैच के लिए। चलिए चलते हैं सीधा टीम बनाते हैं। देखिए एज पर परफॉर्मेंस जो मैंने आपको स्टैट्स और डिटेल्स दिखाया है,
उसके अकॉर्डिंग जो मैंने टीम तैयार किया है उसके अंदर मैंने डिवॉन कॉनवे को अपनी टीम में शामिल किया है, रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया, शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, इन दोनों ओपनर को मैंने टीम में शामिल कर रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा टिक के खेलते हैं तो लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं। रोहित शर्मा अगर सपोज कीजिए कि 20 ओवर तक भी टिक जाते हैं तो 70 80 90 रन भी बनाएंगे और वाइस कैप्टन ये बन जाएंगे, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनका बहुत ही हाईएस्ट होता है, बहुत ही तेजी से खेलते हैं, इसलिए इनके ड्रीम 11 के अंदर फैंटेसी पॉइंट्स जो होता है ना वो ज्यादा तेजी से जल्दी देते हैं। शुभमन गिल को इसलिए मैंने कैप्टन बना दिया। अब अगर एक विकेट गिरता है तो मैंने एज ए ट्रम्प प्लेयर यहाँ पर श्रेयस अय्यर को अपने टीम में शामिल कर लिया है। यहाँ पे मैंने मार्क चैपमैन को रखा है, विल योंग को रखा है, बट इसे मैं अभी हटाऊंगा, दिखाता हूँ कि इसके जगह पे मैं किसे रखूंगा। इसके बाद आर रविंद्र और एन सेंटेनर मैंने दोनों को रखा, क्योंकि सेंटेनर को फिक्स कर दिया है मैंने। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर, इन तीनों को रखा है। आप चाहें तो यहां से जसप्रीत बुमराह के जगह पे मोहम्मद सिराज को भी रख सकते हैं, या फिर श्रेयस अय्यर के जगह पे मोहम्मद सिराज को रख सकते हैं, किसी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। आपको मैं आगे दिखा रहा हूं कि किस तरीके से। अब देखिए मैं यहां से अगर चाहूं तो विल योंग को हटा के, आप विल योंग को चाहें तो यहां से हटा के डैरी मिचेल या ग्लेन फिलिप्स के साथ जा सकते हैं, या कोई एक बॉलर जैसे कि मैट हेनरी, क्योंकि इनका फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा होता है, तो आप मैट हेनरी के साथ भी जा सकते हैं। कल का मैच थोड़ा सा रिस्की है, ज्यादा टीम मत लगाइएगा, क्योंकि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाइएगा कि किसे टीम में रखना है किसे टीम में नहीं रखना है, क्योंकि आप, मुझे भी पता है आपको भी पता है कि हम लोग इंडिया के मुंह से बाहर नहीं निकल पाते इंडिया वाले मैच में। तो दोस्तों बिल्कुल सतर्क होके और ध्यान से टीम लगाना है। फिलहाल ये मैंने टीम तैयार कर रखा है, आगे जो भी होगा टॉस के बाद मैं आपको अपडेट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और टीम भी कल आपको बनाकर दूंगा। हालांकि अब धीरे धीरे हमारा जो टीम है वो अच्छे पॉइंट्स लेके आना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब असली वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।